SFI और DYFI मंडी जिला इकाइयों ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते धांधलियों के खिलाफ संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों पर चर्चा की गई। DYFI के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश की BJP सरकार छात्रों और युवाओं के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी रोजगार लगातार खत्म किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार धांधलियां बढ़ रही हैं। प्रदेश में जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें या तो धांधली सामने आती है या फिर हाई कोर्ट में लटक कर रह जाती है। नौजवान सभा का राज्य का अध्यक्ष हूँ। आज नौजवान सभा और SFI ने मिलकर संयुक्त अधिवेशन किया, जिसमें मुख्यतः बेरोजगारी और भर्तियों में हो रही धांधलियों के खिलाफ हमारा ये अधिवेशन हुआ, जिसमें मुख्यतः हमने ये मांग की कि जो प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार स्थायी रूप से नौकरियों का बंदोबस्त करे, हर युवाओं को जो नौकरी देने का प्रावधान किया जाए, और साथ में जो जितनी भी नौकरियां हिमाचल प्रदेश में आज निकल रही हैं या उन भर्तियों के अंदर या तो धांधलियां हो रही हैं या फिर उनको जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उनको स्थगित किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि जो बेरोजगार युवा है जिसने मेहनत के साथ साथ टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, दूसरी चीज़ें, तो उन लोगों को स्थायी रोजगार का बंदोबस्त करे। यदि प्रशासन और सरकार इन चीज़ों को लेकर अगर आने वाले टाइम पे जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का वादा खिलाफी करती है, तो नौजवान सभा और SFI अगले 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का घेराव कर रही है। मंडी जिला से भी 1000 नौजवान और छात्र उस प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लेंगे और इस प्रदेश सरकार को चिताएंगे कि यदि अगर आप लोगों ने नौजवानों के साथ धोखाधड़ी को अगर कम नहीं किया, उसके रोजगार का बंदोबस्त नहीं किया, तो इस अगले चुनाव के अंदर उन सभी लोगों को जो है शिकस्त देने का काम नौजवान सभा और SFI हिमाचल प्रदेश के अंदर करेगी। जो लोग इस प्रकार की भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो मिलकर जो आंदोलन छेड़े।